अब खबर बाड़मेर से है, जहां जिले में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने अगले 7 दिनों के लिए बाड़मेर के शहरी इलाकों में लॉकडाउन कर दिया है। जी हां, जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और साथ ही में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ में बैठक कर आगामी 7 दिनों के लिए शहर के नगर परिषद क्षेत्र और आसपास की कॉलोनीज में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जो कि आज शाम 7 बजे से प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि इस दौरान जिले में संचालित होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की सभी निजी और रोडवेज बसों को भी बंद कर दिया है। जिला कलेक्टर ने निर्णय जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए लिया। अब बाड़मेर शहर में 7 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। गौरतलब है कि गुरुवार की रिपोर्ट में शहर में 33 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिससे कि जिले का जो आंकड़ा है वो 393 पहुंच गया। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है। आज आप देख रहे हैं कि विगत एक सप्ताह से बाड़मेर में जो कोरोना पॉजिटिव के जो केसेज हैं उनकी संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ती जो कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की दृष्टि से आज शहर के सारे जनप्रतिनिधिगण, सभी जो प्रबुद्ध जन, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मी अधिकारियों के साथ में चर्चा की गई और जो कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण की जो स्थिति उस पर व्यापक विचार विमर्श किया गया और अंततः ये निर्णय लिया गया कि बाड़मेर शहर को एक बार पुनः 7 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए और उसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं वो व्यवस्थाएं वो खुली रहेंगी, चाहे उसमें हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे गैस गोडाउन की दुकान वगैरह हो। और इसके अलावा ये भी तय किया है कि किराना की जो दुकान है वो लिमिटेड रूप से 10 से 2 बजे तक खोलने की जो है एक निर्णय किया गया है। प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी पिछले कई दिनों से कोरोना के पॉजिटिव मरीज है, उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर में कल ही 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं और वो सब जो मरीज है बाड़मेर शहर से पाए गए हैं। इसको देखते हुए आज जिला प्रशासन ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और बाड़मेर में आगामी 7 दिनों तक संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज जिला कलेक्टर ने कॉन्फ्रेंस हॉल में बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधीक्षक, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों एवं अन्य प्रबुद्ध लोगों को बुला करके एक बैठक आयोजित की और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बाड़मेर में आगामी 7 दिन से तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और इस लॉकडाउन में बाड़मेर की जितनी भी निजी बसें हैं या रोडवेज बसें हैं उन पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से कोई लोग बाड़मेर नहीं आए, उसको लेकर भी यह कदम उठाया गया है और बाड़मेर शहर में जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां हैं या सारी दुकानें हैं वो पूर्ण रूप से आगामी 7 दिन तक बंद रहेगी और इसके अलावा जो जरूरी सामान की दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा बाड़मेर शहर में जो 2 सब्जी मंडी है उनको भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और कोरोना के संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए यह लिया गया जिला कलेक्टर का जो ये निर्णय लिया गया है इसको लेकर बाड़मेर के सारे लोग हैं इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से बाड़मेर में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं वो बढ़ रहे थे। अशोक सेरा, बाड़मेर। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता अशोक सेरा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, जिला प्रशासन, बाड़मेर जिला प्रशासन एक बड़ा कदम यहां उठाया है, आगामी 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की यहां घोषणा कर दी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 7 दिनों तक जो लॉकडाउन रहेगा क्या इसमें रियायतें रहेगी और किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, बताएं। बिल्कुल, पिछले काफी दिनों से बाड़मेर में जिस प्रकार से कोरोना के पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन ने एक निसंदेह बहुत बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल, उसमें जिला कलेक्टर ने जो आदेश दिए हैं उसमें ये बताया गया है कि बाड़मेर में जो जरूरी सेवाओं को लेकर जितनी भी दुकानें होगी, चाहे किराने की दुकान की बात करें या मेडिकल स्टोर की है, जितने भी निजी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गैस की जो गोदाम है वो सब खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप है। इसके अलावा पूर्ण रूप से बाड़मेर शहर में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी। इसके अलावा बाड़मेर जिले के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों से निजी एवं रोडवेज बसें जो आती हैं उन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी अशोक, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में इस वक्त अनलॉक का जो दूसरा फेज है वो जारी है, इसी बीच में लॉकडाउन जैसा महत्वपूर्ण कदम उठाना और इसका क्रियान्वयन कराना एक चुनौती रहेगा प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, तो इसकी क्या व्यवस्था की गई है?
बिल्कुल, इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन 1 या 2 लगा था तो उस टाइम जिले में या पूरे देश में क्राइम की घटनाएं बिल्कुल कम हो गई थी जी। या अन्य प्रकार की जो गतिविधियां थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती थी वो सारी गतिविधियां नहीं थी, इसलिए हमारे पास अत्यधिक जाप्ता भी था तो लॉकडाउन की पालना करवाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन अब जिस प्रकार से माहौल है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो जो पूरी रूप से सुचारू करवाने की इस लॉकडाउन को दिक्कत है तो होगी, लेकिन पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने जिलेवासियों से यह भी अपील की है कि इस बार हम सबको पुलिस मित्र बनाने पड़ेंगे, सभी वार्ड में पार्षद बीएलओ को लेकर दो अन्य वार्ड के लोगों को लेकर के और एक टीम गठित करके वो लॉकडाउन की पूरी पूरी पालना करवाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अशोक।